जय यीशु। कितनी आनंद की बात है कि हम सब साथ मिलकर अपने प्रभु यीशु के भवन में हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो दयालु है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप तैयार हैं इसी परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो ईश्वरों का परमेश्वर है? मेरे साथ बोलिए, वो ईश्वरों का परमेश्वर है जो हमारा पालनहार है, जो हमारा तारनहार है, जो हमारी चिंता करता है। वो परमेश्वर आज यहाँ है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसे बुलाएं अपने जीवन में और उसे कहें कि परमेश्वर हम यहाँ पे हैं आपके लिए। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्यों ना ताली बजाए उस परमेश्वर के लिए। मेरे साथ गाइए। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। इस जहां में कोई ना तुझसा पालनहार तारनहार। इस जहां में कोई मेरे साथ गाइए। पशुओं को तू है देता आहार, मेरी विशुद्धि ले भूले बिना। पशुओं को तू है देता आहार, मेरी विशुद्धि ले भूले बिना। इस जहां में कोई ना तुझसा पालनहारा तारनहार। इस जहां में कोई ना सच है। वो परमेश्वर जो चिंता करता है वो आज यहाँ पे है, हम उसके बीच में हैं और हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। विश्वास करते हैं, गाइए। बलि देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। इस जहां में कोई ना तुझसा पालनहारा तारनहार। इस जहां में कोई ना तुझसा पालनहारा तारनहार। ईश्वर का परमेश्वर है तू, भरा हुआ। ईश्वर का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वर का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से। एक आखिरी बार गाएंगे। ईश्वर का परमेश्वर है तू, दया और
आदर सारी महिमा परमेश्वर को। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, बस हमें उसे पुकारने की जरूरत है। उसने हमें रचा है, वो हमारा प्रभु है, वो हर हमारी जरूरतों को जानता है। वो एक शक्तिशाली और एक योग्य प्रभु है। हालेलुया। हर घुटना वो नाम के सामने टिक जाएगा और हर एक जुबा क्या कहेगी कि यीशु ही, कि यीशु ही। हम इस परमेश्वर के सामने आए हैं। क्या आप बहुत आनंद से भरे हैं? क्या आप थोड़े आनंद से भरे हैं कि बहुत ज्यादा? क्यों? क्योंकि यीशु विश्वास योग्य है, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं हटा हूं तुमसे। हम हट जाते हैं परमेश्वर से, मगर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। क्या आप उस बात के लिए आनंदित हैं? क्या आप इस बात के लिए आनंदित हैं? हालेलुया। जाति के लोग सारी सृष्टि भी झुकेंगे तेरे आगे। ओ बरकत और इज्जत सामर्थ्य और महिमा तुझको प्रभु तेरी है। ओ सब जाति के लोग सारी सृष्टि भी झुकेंगे तेरे आगे। ये स्वर्ग पृथ्वी
हालेलुया, वो युगों से युगों तक का प्रभु है। और जब हम उसके सामने क्यों ना कुछ समय लें और उसे धन्यवाद करें कि परमेश्वर, और ये अंगीकार करें कि परमेश्वर तू ही सामर्थी है, तू ही शक्तिशाली है, तेरे अलावा कोई नहीं है, क्यों ना कुछ समय लें और उसे धन्यवाद करें उसकी विश्वास योग्यता के लिए, जो कुछ उसने किया है, क्यों ना उसे धन्यवाद करें। परमेश्वर, हम आए हैं आपके सामने, हम अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं और हम चाहते हैं तू अपने इच्छा के अनुसार हमें बदल दे।
यीशु तेरी आराधना हो, तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु। ओ तू सामर्थ्य यीशु है, तू सामर्थ्य प्रभु है, तेरे जैसा दिल को लिए खड़ा था।
चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। शुदाई आराधना को उठाकर उस परमेश्वर की, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें। वो अल शदाए, वो अदोनाई, वो एलोहीम जो हमारे साथ है, उसकी आराधना करें। हालेलुया। ओ अल शदाए आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। हालेलुया। ओ प्रभु, आज की सुबह हम आपकी आराधना करते हैं जो सर्वशक्तिमान है। प्रभु तू जो हमारा स्वामी है, प्रभु तू जो अदोनाई अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हम तेरी आराधना करते हैं। प्रभु आइए उसकी आराधना करें। ओ हालेलुया। ओ हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। ओ रिखा बाबा बा शिखे रे बेबे शातर बोरी खराबा। हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शिखे रे बेबे शांदर बोरी खराबा। ओ रिल्ला लाबा शिखे रे बेबे बेबे शांदर बोरी खराबा। ओ रिखे बेबे बे शिखोरो बो 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 शांदर बोरी खराबा। प्रभु हम हाथों को उठाकर तेरी आराधना करते हैं। तू जो सर्वशक्तिमान है, तू जो हमारा स्वामी है, तू जो सारे सिंहासनों के ऊपर विराजमान है। प्रभु आज की सुबह हम तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि हमारी आराधना में ही हमारी चंगाई है। प्रभु हमारी आराधना में ही हमारा छुटकारा है। प्रभु हमारी आराधना में ही हमारी आजादी और आनंद है। प्रभु हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें, आराधना करें, क्योंकि जहां उसकी आराधना है वहां बंधन टूट जाते हैं। ओ जहां उसकी आराधना है वहां चंगाई है, ओ वहां सामर्थ्य है, वहां शक्ति है, ओ वहां आजादी है, वहां परमेश्वर का आनंद है। हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शिखे रे बेबे शांदर बोरी खराबा। ओ रिल्ला बाबा शिखोरो बोबो शांदर बोरी खराबा। ओ रिखे बेबे बे शिखोरो बोबो शांदर बोरी खराबा। ओ रिखे बेबे बे शिखे रे बेबे शांदर बोरी खराबा। प्रभु हम आपकी आराधना 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 करते हैं। ओ रिखा बाबा बा शिखोरो बोबो शांदर बोरी खराबा। ओ रिल्ला बाबा शिखे रे बेबे शांदर बोरी खराबा। ओ रिखे बेबे बे शिखोरो बोबो शांदर बोरी खराबा। ओ आराधना। ओ रिखे बेबे बे शिखोरो बोबो शांदर बोरी खराबा। प्रभु आज की सुबह, आज की सुबह प्रभु हर एक बंधन को, हर एक बंधन को प्रभु हम यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तोड़ते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हर एक बंधन को तोड़ते हैं। प्रभु ओ रिखा बाबा बा शिखोरो बोबो शांदर बोरी खराबा। ओ रिखे बेबे बे शिखोरो बोबो शांदर बोरी खराबा। प्रभु यीशु के नाम में हम आपकी चंगाई को बोलते हैं। प्रभु तेरा सामर्थ और तेरा अभिषेक प्रभु इसी वक्त तेरे लोगों को छुए। प्रभु मेरी ये प्रार्थना है। ओ रिखा बाबा बा शिखोरो बोबो शांदर बोरी खराबा। ओ रिल्ला बा शिखोरो बोबो शांदर बोरी खराबा। हालेलुया हालेलुया। ओ रिखे बेबे बे शिखोरो बोबो शांदर बोरी खराबा। ओ रिखे बेबे बे शिखरा बाबा बाबा शांदर बोरी खराबा। ओ रिखे बेबे बे शिखोरो बोबो शांदर बोरी खराबा।
ओ रिखे बेबे शिखरो बबो शांदरो बरिखा ओ प्रभु हर एक बीमारी यीशु के नाम में, ओ यीशु के नाम में हम चंगाई को बोलते हैं प्रभु। ओ रिखा बाबा शिखरो बबो शांदरो बरिखा रबा हालेलुया 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 ओ रिखे बेबे शिखरो बबो शांदरो बरिखा रबा ओ रुल्ला लबा शिखरो बबो शांदरो बरिखा रबा हालेलुया हालेलुया मेरे प्रियो आज की सुबह वो अल शदाय वो एलोहिम वो अदोनाय वो यहोवा राफा हमारे बीच में मौजूद है हालेलुया। और क्यों नहीं आज की सुबह हम उस पर विश्वास करें हालेलुया, क्योंकि बाइबल ये पवित्र वचन बताता है जहां आराधना है, जहां आराधना है वहां बंधन टूट जाते हैं हालेलुया, जहां आराधना है वहां प्रभु का आनंद और उसका अभिषेक मौजूद है हालेलुया। आइए कुछ समय लेकर अपना मुंह खोलकर उसकी आराधना करें। यदि आज की सुबह आपको चंगाई की जरूरत है प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, आराधना करें, क्योंकि आराधना में हमारा छुटकारा है, हमारी चंगाई है हालेलुया। ओ रिखा बाबा शिखरो बबो शांदरो बोरी खराबा ओ हर एक बंधन अगर आप किसी बंधन में है यीशु से कहे प्रभु आराधना में छुटकारा है हालेलुया। ओ रिखा बाबा शिखरो बबो शांदरो बोरी खराबा ओ रिल्ला लबा शिखरो बबो शांदरो बोरी खराबा ओ रिखे बेबे आराधना Elohim aradhana Adonai aradhana Yeshua aradhana Shadai aradhana Elohim aradhana Adonai aradhana Yeshua aradhana। प्रभु आज की सुबह हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि जैसा हमने गाया यही तो सच है प्रभु कि तेरा जैसा कौन है जो हमसे ऐसा प्रेम करता है प्रभु, जिसने अपने पुत्र को आज से 2000 साल पहले हमारे लिए भेज दिया, और किसी बात के लिए नहीं, चंगाई के लिए नहीं प्रभु प्रभु, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक और एक कारण के लिए कि वो मानव जाति जो पाप में खो गई थी, जो तुझसे दूर हो गई थी, तू उसे फिर से अपने पास बुला ले प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, ऐसा प्रेम हम और किस में देख सकते हैं प्रभु, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुझ में। और प्रभु आज की सुबह हम इसीलिए आपकी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि आराधना के योग्य कोई और है ही नहीं प्रभु। ऐसा कौन है प्रभु जो हमसे ऐसा प्रेम करता है कि जब हम पापी ही थे उसने हमसे प्रेम किया और हमें चुन लिया। हम पापी ही थे जब उसने अपने अनुग्रह को हमारे जीवनों पर प्रकट किया प्रभु। काश आप और मैं इस बात की गहराई को समझें कि वो आज भी बाहों को खोलकर हमें गले लगाने के लिए खड़ा है। अगर हम उसके पास आने के लिए तैयार हैं, वो आज भी उस पिता के समान हाथ खोले तैयार है कि हमें गले लगा लें। और प्रभु आज की सुबह तेरे वचन के अनुसार हम इस बात की घोषणा करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि जहां आपकी आराधना है वहां चंगाई है प्रभु। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि आपका चंगाई का सामर्थ्य इसी वक्त इस भवन में बहने पाए प्रभु। प्रभु वे जिन्हें शारीरिक रूप से चंगाई की आवश्यकता है प्रभु, चंगाई किसी मनुष्य से नहीं आती, चंगाई तो आप देने वाले परमेश्वर है। और इसलिए प्रभु आज की सुबह हम यीशु के नाम में आपके चंगाई के सामर्थ्य को भेजते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना हम में से हर कोई जिसे चंगाई की आवश्यकता और यहाँ खड़ा है प्रभु, आप जानते हो प्रभु से, मेरी प्रार्थना है आप अपने सामर्थ्य को भेजो और उसे चंगा करो प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वे जो निराश हैं, जो टूटे हुए हैं, जो खाली
दिल से यहां पर खड़े हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है आप अपने आनंद से उन्हें भर दो प्रभु, अपने हियाव और साहस से भर दो प्रभु, उनकी निराशाओं में आप उनकी आशा बन जाओ, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। इफ यू रीड गॉड्स वर्ड, हमारा परमेश्वर असंभव का परमेश्वर है। द गॉस्पेल, देयर आर सो मेनी मिरेकल्स जीसस डिड। और यदि आप सुसमाचार में पढ़ें तो ऐसे बहुत से चमत्कार हैं जो यीशु मसीह ने किए। रीड दीस मिरेकल स्टोरीज केयरफुली, यू विल नोटिस वन थिंग। और अगर सावधानी से और ध्यान पूर्वक आप इन सुसमाचार में कहानियों को पढ़ें तो एक चीज पे आप ध्यान देंगे। गॉड ऑलवेज स्टेप्स इन ओनली when the situation is absolutely impossible. परमेश्वर तभी कार्य करते हैं उस परिस्थिति में जब वो परिस्थिति पूरी तरीके से असंभव हो। Even if there is just a quarter percent possibilities of a human does in that situation, God does not do any miracle. और यदि अगर थोड़ी सी भी संभावना होती है एक मनुष्य दखल की तो फिर परमेश्वर काम नहीं करते। But you may ask why? आप पूछेंगे क्यों? That is why, even when you are sick, और इसलिए जब आप बीमार भी होते हैं, or some impossible situation you face, या कोई असंभव स्थिति का आप सामना करते हैं, you pray and pray and pray, nothing happen. तो आप प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं होता। And then you doubt God. और फिर परमेश्वर पर आप संदेह करते हैं। Try everything. और सब कुछ आप कोशिश करते हैं। You approach people. कि आप लोगों तक पहुंचे। And you go from one doctor to the other doctor. और एक डॉक्टर से आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएं। Or if it is for a job or something, you go to one office to another office. या अगर नौकरी के लिए हो तो आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाते हैं। But nothing is happening. लेकिन कुछ नहीं होता। And then at the end, और फिर अंत में you are exhausted, आप थक जाते हैं, you are tired, आप थकित हो जाते and हैं, there is no more places to go. और कोई स्थान नहीं बचता जाने के लिए। Now what do you say? Lord, let your will be done. और फिर हम कहते हैं परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो। And when that moment come, और फिर जब वो पल आता है, that is when Jesus come in. उसी पल में यीशु अंदर आते हैं। You know the reason why? आप जानते हैं कारण? Even if there is a quarter percent possibilities that you can do, और यदि अगर कुछ थोड़ी सी भी संभावना है कि आप कुछ कर सकते हैं, God will wait for you to do that also. तो परमेश्वर इंतजार करेंगे कि आप वो भी करके देख लें। That is why when Martha and Mary, the best friend of Jesus. और इसलिए मार्था और मरियम जो यीशु मसीह के बहुत ही करीबी मित्र थे। And for Jesus also, this family was the most important family in his life. और यीशु के लिए भी ये परिवार उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परिवार था। And the moment Lazarus fell sick, और जिस पल लाजर बीमार हुआ, they sent a message to Jesus. उन्होंने यीशु के पास संदेश भेजा। But Jesus didn't come. लेकिन यीशु नहीं आए। Lazarus died. और लाजर मर गया। Jesus didn't come. यीशु नहीं आए। Not even his funeral. और उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। It is natural for Martha and Mary to think what kind of friend is he? और ये स्वाभाविक बात है कि मार्था और मरियम सोचें कि यीशु किस प्रकार का मित्र है। When he was sick, he never came. जब लाजर बीमार था तब यीशु नहीं आया। At least for his funeral. And the Bible says that Lazarus was one of his best friend and Jesus was their best friend. और उन्होंने सोचा कि कम से कम अंतिम संस्कार पे भी तो आ जाता और उनके लिए यीशु उनका सबसे अच्छा मित्र था। And even in death Jesus didn't come. और मृत्यु में भी लाजर की यीशु नहीं आए। They wondered why. और उन्होंने सोचा क्यों? But they could not keep the body. लेकिन उस देह को वो नहीं रख पाए। They conducted the funeral. और उन्होंने अंतिम संस्कार किया। Even then Jesus didn't come. और उस पल भी यीशु नहीं आए। Why? क्यों? And then not 2 days, but not 3 days, but 4 days. और 2 दिन भी नहीं, 3 दिन भी नहीं, 4 दिन। At least he could have come on a second day. कम से कम दूसरे दिन ही आ जाते। Or third day. या तीसरे दिन आ जाते। He chose to come only on the 4th day. लेकिन वो 4th दिन आए। Why? क्यों? Have you ever asked that question? क्या आपने कभी ये सवाल पूछा?
absolutely there was a belief among the Jews and also people of that time. और उस समय में एक मान्यता थी यहूदियों में और उस वक्त के लोगों में that when a person die कि जब एक व्यक्ति मरता है his spirit does not immediately go up somewhere तो उसकी आत्मा तुरंत ही नहीं चली जाती but his spirit will be in the atmosphere लेकिन उस वातावरण में वो आत्मा रहती है and there is a possibility for that spirit to return to the body and the body will be alive और ऐसी संभावना है कि वो आत्मा उस शरीर में लौटती है और वो शरीर जीवित हो सकता and है the spirit will be there for 3 days. और 3 दिन तक आत्मा वहां पर मंडराती है and after 3 days, the spirit goes. और 3 दिन के बाद आत्मा जाती है Then of course there is no possibility. और उसके बाद तो कोई संभावना नहीं बचती did Jesus believe this? क्या यीशु इस बात पर विश्वास करते थे No, definitely not. He didn't believe that. और बिल्कुल भी नहीं वो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे But nevertheless, he did not come even on the third day. लेकिन वो तीसरे दिन भी नहीं आए But if Jesus had come even on the third day and resurrected Jesus, और यदि यीशु resurrected Lazarus, तीसरे दिन आ गए होते और लाजर को जिला दिया होता and the people at that time, the experts and they all, अरे ये बड़ी बात नहीं है तो उस समय के लोग यही कहते कि अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इनका स्पिरिट इधर था और लाजर की आत्मा यही मंडरा रही होगी so, वो स्पिरिट रिटर्न टू हिज बॉडी और वो आत्मा वापस आ गई ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है Though Jesus did not believe that theory, और यीशु उस बात पे विश्वास नहीं करते थे but people believe. लेकिन लोग विश्वास करते थे And because to let these people know who Jesus truly is. और क्योंकि यीशु ने चाहा कि ये लोग जाने कि यीशु वाकई में है कौन He waited till the fourth day. वो चौथे दिन तक रुके And that is when he raised Lazarus. और तब उन्होंने लाजर को जिलाया Why? Jesus did not come when he was sick. क्यों यीशु तब नहीं आया जब लाजर बीमार था Because by that time everybody knew Jesus could heal the sick. क्योंकि उस समय तक सबको पता चल चुका था कि यीशु चंगा करता है And so that was that miracle of healing will not be a great news aur wo changai ka jo khabar phailti wo koi bahut badi khabar na hoti but Jesus chose to wait till the fourth day because it is time has come for him to reveal to the world that he was not only a healer but he is also the resurrection and the life और यीशु चौथे दिन तक इसलिए रुका ताकि लोगों को पता लगे कि यीशु केवल चंगा करने वाला नहीं है लेकिन वो पुनरुत्थान और जीवन भी है And that is the first time when the Pharisees and Sadducees and all the experts of the law they all suddenly they're amazed और ये पहली बार ऐसा हुआ जितने भी फरीसी और सदूकी थे और जो शास्त्र पढ़ाने वाले लोग थे वो सब अचंभित हुए Jesus did a short prayer और यीशु मसीह ने एक छोटी प्रार्थना करी इन दैट प्रेयर इफ यू रीड और उस दिस इज व्हाट ही सेड और उस प्रार्थना में यदि आप पढ़ें तो यह है जो यीशु ने कहा फादर पिता आई एम नॉट सेइंग दीस थिंग्स फॉर माय सेक और फॉर योर सेक मैं ये बातें अपने लिए या तेरे लिए नहीं कहता बट आई स्पीक दिस फॉर द सेक ऑफ दिस पीपल हु हैव गैदर्ड लेकिन मैं इसलिए कहता हूं ये जो लोग यहां पर इकट्ठा है इनके लिए बिकॉज आई नो यू हैव ऑलरेडी हर्ड मी क्योंकि मैं जानता हूं आपने पिता मुझे पहले ही सुन लिया है When? कब द डे Lazarus डाइड उस दिन जिस दिन लाजर मरा He chose to stay for another three days. और फिर यीशु ने फैसला लिया कि वो और 3 दिन रुकेंगे But in the first day itself, लेकिन पहले दिन ही Jesus has already talked to his father about Lazarus. यीशु ने अपने पिता से पहले ही बात कर ली थी लाजर के बारे में. So it was not necessary for him to stand before the grave and pray for the resurrection of Lazarus. और इसलिए कोई बहुत जरूरी नहीं था कि यीशु मसीह लाजर की कब्र के बाहर खड़े होके ही प्रार्थना करते उसके लिए. Did he pray? No. क्या उन्होंने प्रार्थना करी नहीं? He stood in front of the grave. वो कब्र के सामने खड़े हुए. He just commanded. और आज्ञा दी Lazarus, लाजर यू कम फोर्थ बाहर आ हालेलुया
So Jesus very often wait till the last source of years is exhausted and gone. और यीशु मसीह ने बिल्कुल उस आखिरी पल तक इंतजार किया जब तक बाकी के सारे प्रयास किए जा चुके थे, थक चुके थे लोग. आई नो ब्रदर साइमन, यू नो ब्रदर साइमन, इज साइमन नहीं, आसाराम. आई नो आसाराम. और मैं भाई आसाराम को जानता हूँ. नंबर ऑफ इयर्स He has been coming to this church. और कई सालों से वो इस कलीसिया में आ रहे हैं. And I knew his wife. और मैं उनकी पत्नी को भी जानता हूँ. And I also heard his testimony. और उनकी गवाही को भी सुना है. Amazing testimony. अद्भुत गवाही. You know, God always look at the sincerity and honesty of a person. परमेश्वर हमेशा एक व्यक्ति की ईमानदारी और वफादारी को देखते हैं. In all these years, और इन पूरे सालों भर, I have never seen him absenting himself from coming to church, not only on Sunday, but any prayer meeting you announce, any study you announce, he is here. मैंने एक भी ऐसा दिन नहीं देखा जब यहाँ पर किसी भी प्रकार की सभा हुई हो, चाहे रविवार की हो, चाहे बाइबल स्टडी हुई हो, और वो ना आए हो. He doesn't use any excuse why he was absent. और कोई बहाना उन्होंने कभी नहीं दिया कि वो क्यों नहीं आए. Because he will never be absent. क्योंकि वो ऐसा हुआ ही नहीं कि वो ना आए हो. And how about us? हमारे बारे में क्या? Now I wanted to finish the message that the Bible lesson that I started last Sunday. और पिछले रविवार जो मैंने संदेश शुरू किया था वो मैं समाप्त करना चाहता हूँ. But after we are 12:30. लेकिन अभी 12:30 बज चुका है. So you know me. और आप मुझे जानते हैं. Once I start. एक बार मैंने अगर शुरू कर दिया, I'll jump from one illustration to another story. फिर एक उदाहरण से दूसरी कहानी की ओर जाएंगे. So I will do this next Sunday. तो इसलिए बाकी का जो संदेश रह गया था वो अगले रविवार में करूंगा. What am I going to do now? अभी मैं क्या करूंगा? I am going to give you another testimony. आपको एक और गवाही दूंगा. Listen very carefully. ध्यान से सुनिएगा. This testimony is not mine. ये गवाही मेरी नहीं है. This testimony is of a 5-year-old girl. ये एक 5 साल की बच्ची की कहानी है. I don't know her parents. मैं उसके माता पिता को नहीं जानता. I don't know this child. I never met them. मैं इनसे कभी मिला नहीं, उस बच्ची को नहीं जानता. And I saw a video. और मैंने एक वीडियो देखा था. In which the doctor who conducted a bypass surgery of the heart of this 5-year-old child. और जिसमें मैंने एक वीडियो में देखा कि एक डॉक्टर ने इस 5 साल की बच्ची की बाईपास सर्जरी करी थी. From all the evidences and the testimony I heard, it seems that she was from a Christian home and her mother especially was a very God-fearing lady. और जो मैंने देखा उससे ये मालूम पड़ता है कि एक मसीही परिवार से थी और उसकी माँ परमेश्वर का भय मानने वाली महिला थी. She was the only child she had. और वही एक लौती बेटी थी. And at the age of 5. और 5 साल की उम्र में. She developed some heart problem. और उस बच्ची को दिल की एक समस्या हुई. With that heart problem, they took her to one hospital after another so many hospitals. और उस हृदय की समस्या के बाद अलग अलग अस्पतालों में उसको लेकर गए. All specialized in heart treatment. और सभी विशेषज्ञ अस्पताल थे जो हृदय के लिए विशेष रूप से थे. But all the experts. और सारे विशेषज्ञ. All the famous heart surgeon. और सभी प्रसिद्ध हृदय के डॉक्टर. Wherever they went, they examined her. और जहां भी वो गई वहां पे उसको जांचा गया. And the conclusion was, और निष्कर्ष ये निकला, this child is not going to survive. कि ये बच्ची जी नहीं सकती. Because her heart disease condition is such that no surgery is going to make her well.
क्योंकि इसके हृदय की स्थिति ऐसी है कि आप कोई भी सर्जरी कर लीजिए वो ठीक नहीं हो सकता. So they traveled from one hospital to another hospital to all the specialists of heart. और वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में गए और सभी विशेषज्ञों के पास गए. Every one of them said the same thing. और हर किसी ने एक ही बात बोली. She will not survive. ये जिएगी नहीं. She will not survive. ये बचेगी नहीं. She will not survive. ये बचेगी नहीं. Every doctor. हर डॉक्टर. At the end they went to one more specialist. और आखिरी में वो लोग एक और विशेषज्ञ के पास गए. And he happened to be a very special, very, very outstanding heart surgeon. और वो एक खास हार्ट सर्जन था. And he was a very good friend of our former president Abdul Kalam. और भारत के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम उनके वो मित्र थे. And so he examined her. और उन्होंने जब उसको जांचा. And she also said she will not survive. उन्होंने भी कह दिया कि ये बचेगी नहीं. The parents stood there and cried. और माता पिता वहां खड़े होकर रोने लगे. And they said to this doctor. और इस डॉक्टर से कहा. Doctor, you go ahead and perform the surgery. और डॉक्टर आप सर्जरी को करिए. We will sign the paper. और हमें जहां भी दस्तखत करना है अब करेंगे. And if she doesn't survive. और वो नहीं बची. We will accept. अगर नहीं बचती है तो हम उसको स्वीकार करेंगे. We will accept. हम स्वीकार करेंगे. We will not blame you. हम आप पर दोष नहीं लगाएंगे. So the doctor on that agreed to perform this child's surgery. और उस सहमति पत्र के अनुसार डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने का फैसला लिया. But the night before the day surgery. लेकिन जिस दिन सर्जरी होनी थी उसकी एक रात पहले. As the doctor was preparing this child for the surgery. और जब डॉक्टर इस बच्ची को तैयार कर रहे थे सर्जरी के लिए. The mother sat with her. She took her in her lap. और उस बच्ची को उस माँ ने अपनी गोद में बैठाया. And told her. और उससे कहा. You know, there is a living God. एक जीवित परमेश्वर है. This God does not live in temples and buildings. और ये परमेश्वर कहीं मंदिरों या इमारतों में नहीं रहता. This God lives in the heart. ये परमेश्वर हृदय में रहता है. And especially this God loved little children. और ये परमेश्वर छोटे बच्चों से प्रेम करता है. So he loves you. और वो आपसे प्रेम कर तुमसे प्रेम करता है. And during surgery. और सर्जरी के दौरान. He will be with you. वो तुम्हारे साथ रहेगा. Because he is in your heart. क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में है. And the child got the message. और उस बच्ची को वो संदेश समझ में आया. And she was being prepared and taken to the surgery room. और उसको तैयार किया गया और ऑपरेशन थिएटर में लेके गए. And as they were picking her up and laying her on the surgery table. और जब वो उसको उठा के सर्जरी की मेज पर लिटा रहे थे. He looked at this doctor and said. उस लड़की ने इस डॉक्टर को देखकर कहा. Sir. Sir, my mummy told me. मेरी माँ ने मुझसे कहा है. That there is a God. कि एक परमेश्वर है. And a God who does not live in temples or buildings. और वो परमेश्वर मंदिर और इमारत में नहीं रहता. But this God lives in the heart of people. लेकिन वो लोगों के हृदय में रहता है. So mummy told me. और मेरी माँ ने मुझसे कहा है. That Jesus is in you. और यीशु तुम में है. And then. Doctor, I have one request. और डॉक्टर मेरा एक निवेदन है आपसे. I know you will cut my heart. मैं जानती हूँ आप मेरे हृदय को काटेंगे. And you will open the heart. आप उसको खोलेंगे. When you open the heart. लेकिन जब आप हृदय को मेरे खोलें. Please try to find where God is seated. तो कृपया देखने की कोशिश करिएगा कि वो परमेश्वर कहाँ बैठा है. He didn't know what to say. और उसको नहीं पता था कि इसको क्या जवाब दूं.
standing there. और वहां पर खड़े खड़े दिस डॉक्टर कॉल्ड प्रेसिडेंट कलाम. और डॉक्टर ने प्रेसिडेंट कलाम को फोन किया. As you know, he was a very wise man, intelligent man. और क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे. And he spoke to him about this girl's condition. और इस बच्ची की स्थिति के बारे में उस डॉक्टर ने अब्दुल कलाम से बात करी थी. And I am about to bring her onto the bed. और पता है कि मैं तो उसको टेबल पे लेटा रहा हूँ. And I am about to conduct her surgery. और मैं उसकी सर्जरी करने वाला हूँ. She asked me this question. और ऐसा सवाल उसने मुझसे कहा. She told me her request. और ऐसा निवेदन उसने बताया मुझे. This is what she told me. और ये उसने मुझे बताया. Sir, what is the, what should I tell her in response to this? अब मैं उससे क्या कहूँ, क्या जवाब दूँ उसको? Kalam being a very intelligent man. और क्योंकि अब्दुल कलाम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे. I don't remember exactly what he told the doctor. मुझे ठीक से याद नहीं उन्होंने डॉक्टर से क्या कहा. He told her, you just say this. लेकिन उन्होंने बताया कि तुम ऐसा ऐसा कह दो. And if God is in her heart, she believes. और अगर जिस परमेश्वर में वो विश्वास करती है वो उसके दिल में है, she will survive. तो वो जिएगी. But doctor did not have any hope. लेकिन डॉक्टर के पास कोई आशा नहीं थी. Anyway, they prepare themselves to conduct this surgery. और उन्होंने तैयारी करी कि ऑपरेशन करें. He along with his associate doctors and nurses, they all were there ready. वो डॉक्टर, उनके सह डॉक्टर और नर्स सब तैयार थे. They cut her chest. और उस बच्ची के सीने को काटा. And cut the heart. और फिर उसके दिल को काटा. When they cut the heart. और जब दिल को काटा. All the hope was gone. सारी आशा चली गई. Not even one drop of blood from any of his her valve. और उस दिल के किसी भी भाग में, किसी भी वॉल्व में खून नहीं था. Not even one drop. एक बूंद खून भी नहीं. How many valves are there? कितने वॉल्व्स होते हैं? Four valves. चार. All the four valves were completely. और वो चारों जो उस भाग थे वो सूखे हुए थे. Seeing that condition. और ऐसी हालत देख के. The doctor gave orders to the nurses and other doctors. डॉक्टर ने उस बाकी नर्स और डॉक्टरों से कहा. There is no use of conducting any surgery. कोई सर्जरी करने का कोई फायदा ही नहीं. You close it as you open. और जैसे उसको तुमने खोला है वैसे उसको सिल दो. As they were about to close and stitch it back. और जैसे ही वो बंद करके उस पे टांके लगाने जा रहे थे. One nurse who was watching carefully. एक नर्स जो ध्यान से देख रही थी. Suddenly. अचानक से. Notice from one valve. उसने ध्यान दिया कि एक भाग से जस्ट वन और टू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, एक दो बूंद खून की आ रही थी. एंड शी सेड सर देयर इज ब्लड. और उसने कहा डॉक्टर देखिए इसमें खून है. दैट वाज इनफ. और वो काफी था. दे रीओपन्ड एवरीथिंग. उन्होंने फिर से खोला. कंडक्टेड द सर्जरी. सर्जरी करी. शी सर्वाइव्ड. और वो जिए. It was even the doctors who were amazed that this she survived. और डॉक्टर भी अचंभे में थे कि ये जी कैसे, बची कैसे? I don't know how many days she stayed in the hospital. और मुझे नहीं पता कितने दिन तक वो अस्पताल में रही. But the day she was discharged. लेकिन जिस दिन उसकी अस्पताल से छुट्टी हुई. And along her parents, she was ready to go home. और उसके माता-पिता के साथ वो घर जाने के लिए तैयार थी. She looked at the doctor. उसने डॉक्टर को देखा. And asked him, sir. और कहा सर. When you opened my heart. जब आपने मेरे दिल को खोला. Did you see God in my heart? तो क्या आपने परमेश्वर को मेरे दिल में देखा? And he said. और डॉक्टर ने जवाब दिया. No, Betty, I did not see any figure. बेटा मैंने किसी आकार को तो नहीं देखा. But I tell you what. लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा.
when we had no hope of your survival. जब हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम बचोगी. And we were closing your heart back. और तुम्हारा हम दिल वापस सिल रहे थे. Because without even one drop of blood, we could not go any further. क्योंकि खून की एक बूंद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे. But at that moment, लेकिन उस पल पे, we saw two drops of blood through one of your valve. हमने देखा कि तुम्हारे एक भाग से दो बूंद खून की आ रही थी. And it was that blood और वो खून था that given us the hope जिसने हमें आशा दी for survival कि तुम बचोगी. The doctor who narrated this story और वो डॉक्टर जिसने इस कहानी को बताया है, he was giving a moral lesson to the mothers. वो माओं को एक नैतिक शिक्षा दे रहा था. See how that mother instilled inside of her daughter. कि कैसे उसने अपनी बेटी के अंदर एक इस आशा को भरा. That there is a God कि who lives not in temples. But in the heart. कि एक परमेश्वर है जो मंदिरों में नहीं लेकिन दिल में रहता है. And that child never forgot. और वो बच्ची कभी नहीं भूली उस बात को. My brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों. Our God is not only a wonderful God. But he is a very amazing God. हमारा परमेश्वर केवल एक अद्भुत परमेश्वर नहीं लेकिन वो महान परमेश्वर है. He is truly the creator. और वो वाकई में रचयिता है. And he still creates. और वो अभी भी रचना करता है. And that is how, where there was no possibility of a living again, suddenly through prayers and faith and worship of God. और इसलिए जब कोई आशा नहीं होती है जीने की तब विश्वास के द्वारा प्रार्थना के द्वारा और परमेश्वर की आराधना के द्वारा यू रिसीव. यू नो व्हाई गॉड डिलेज. आप जानते हैं कि क्यों परमेश्वर थोड़ा विलंब करते हैं. इफ यू आर प्रेइंग फॉर अ सिचुएशन एंड एज लॉन्ग एज यू कीप ट्राइंग Nothing will happen. और यदि आप किसी परिस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं और जब तक आप कोशिश करते रहते हैं कुछ नहीं होता. And even if there is 0.25% possibility and you want to try it, you go and try it. और अगर थोड़ी सी पौन गुना भी संभावना बचती है कि आप कोशिश कर सकते तो करिए. And then you come. और फिर आप आइए. Exhausted. थके हुए. Tired. परेशान. Weary. और चिंतित. And you give up. और फिर आप हार मान चुके होते हैं. Lord, there is nothing else we can do. परमेश्वर अब और कुछ नहीं है जो हम कर सकते हैं. That is when Jesus come. और तब यीशु आते हैं. You know why? आप जानते हैं क्यों? Even if there is little possibility. और यदि थोड़ी भी संभावना होती है. When everything is over, you are healed and God provided everything. तो जब सब कुछ खत्म हो गया आप चंगे हुए परमेश्वर ने सब प्रबंध किया. 100% glory and honor will not go to heaven. तो 100% महिमा और आदर स्वर्ग को नहीं जाता. Oh God, God helped, but we also did this. हम लोग कहते हैं हाँ परमेश्वर ने तो मदद करी लेकिन मैंने ऐसे किया. And because we did this, और क्योंकि हमने मैंने ऐसा किया. Ultimately it happened. इसलिए ऐसा हो गया. God will not share His glory with anybody else. परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटेंगे. And this is the reason why very often things are delayed because we refuse to trust in Him completely and wholly. और इसीलिए कई बार इतने विलंब हो जाते हैं क्योंकि हम पूरी तरीके से परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करने से पीछे हटते हैं. क्या ये सत्य नहीं है? Even very difficult situation, God helps and ultimately everything is over. You say, well, God helped, but we also did our part. और जब परमेश्वर आपकी सहायता कर देते हैं, तो आप कहते हैं, हाँ, परमेश्वर ने मदद करी, लेकिन मैंने भी तो कोशिश करी. No. नहीं. It is not because you did your part.
ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपना भाग किया. You know why I stand here? आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? From my childhood. क्योंकि मेरे बचपन से. Five occasion. पांच मौकों पर. God has saved me from the jaws of death. परमेश्वर ने मुझे मृत्यु के जबड़ों से छुड़ाया है. Five times. पांच बार. There was I didn't have anything else to trust. मेरे पास कुछ और नहीं था जिस पे मैं भरोसा करूं. A situation where I was. और ऐसी परिस्थितियों में मैं था. But his hand. लेकिन उसके हाथ. Protected me. उसके हाथों ने मुझे बचाया. Lifted me up. मुझे उठाया. I stand here only because of he intervened. And brought me out of. और मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने दखल दी और मुझे उसमें निकाल के ले आया. It is not what you did or what anybody else do. और आप क्या करते हैं या कोई और क्या करता है उससे फर्क नहीं पड़ता. You are still alive. आप जीवित हैं. Because of His mercy and His kindness. ये सिर्फ उसकी दया और करुणा है. So give Him glory all the time. इसलिए हर वक्त उसको ही महिमा दीजिए. And my friends, you know, don't just imitate or pretend that you follow Christ. और इसलिए प्रियों आप केवल इस बात को दिखाए ना या नकल करने की कोशिश ना करें कि आप मसीह के पीछे चलते हैं. You have to maintain a relationship, a personal relationship with the Lord Jesus Christ. और आपको यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते को और संबंध को बनाना है. That is one part of my message. और ये मेरे संदेश का एक भाग है. And so I share with you next Sunday. और बाकी मैं अगले रविवार बांटूंगा. This testimony contains a great message for you. और इस गवाही में एक बड़ा संदेश है आप लोग के लिए. I never heard his sister standing up. In fact, seeing her, I never thought she is a speaking lady. और मैंने कभी नहीं उनको सुना पहले और ना ही उनको देख के लगता है कि बोलने वाली महिला है. My goodness, the way she was speaking, you know, you can be a very good evangelist, sister. और जिस प्रकार से आपने बोला, आप एक बहुत बढ़िया प्रचारक, सुसमाचारक हो सकती हैं. Amen. Praise the Lord. Let wonderful testimonies. Come on Wednesday and hear the testimonies. A testimony can generate great faith. और जरूर से बुधवार को आप लोग आइएगा और उन गवाहियों को सुनिएगा और गवाहियों के द्वारा एक मजबूत विश्वास बन सकता है. Let us not pretend that we are followers of Christ. और हम केवल ये दिखावा ना करें कि हम मसीह के अनुयायी हैं. Let there be genuineness in our faith and a real relationship with the personal relationship with the Lord. हमारे विश्वास में सच्चाई हो और हमारे प्रभु के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध हो. We can do so many things outwardly. और हम बाहरी रूप से बहुत सी चीजें कर सकते हैं. You can be baptized. आप बपतिस्मा पाए हुए हो सकते हैं. Oh, you know, you can be baptized 3 times or 10 times or 20 times. हो सकता है 10 बार, 15, 20 बार बपतिस्मा लिया हो. There are some Pentecostal people all over the world. और पूरे विश्व भर में ऐसे कुछ लोग हैं. They have this tour that they make to Holy Land. और वो यात्रा पे जाते हैं पवित्र भूमि में. And when they go there, one of the place they visit is River Jordan. और जब वो जाते हैं तो एक स्थान जो है जहाँ पे वो जरूर से जाते हैं वो है यर्दन नदी. Pentecostal people who are baptized properly and worshipping the Lord in spirit and in truth and all that, when they see River Jordan, I also want to be baptized one more time. और बपतिस्मा ले चुके हैं पेंटिकॉस्टल लोग, अच्छे से जी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जैसे यर्दन नदी देखते हैं कहते हैं मुझे फिर से बपतिस्मा लेना. And some people wait until they visit Holy Land to be baptized. और कुछ लोग इंतजार करते हैं कि जब तक वो यर्दन नदी में बपतिस्मा ना ले वो नहीं लेते. I want to be baptized in the river where Jesus was baptized. नहीं, मुझे तो उसी नदी में बपतिस्मा लेना है जिसमें यीशु ने लिया था. You can go to River Jordan or Red Sea, anywhere you baptize. That will not make any difference. आप चाहे तो यर्दन नदी में जाएं, चाहे लाल समुंदर में जाएं. Today there is कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Nothing holy in the river. अब उस नदी में कुछ पवित्र नहीं बचा है. Where there is water enough for you to be immersed. और जहां पर भी आपको इतना पानी मिल जाए जिसमें आप पूरी तरीके से अंदर जा सकते हैं.
As soon as you are born again and you committed your life to the Lordship of Jesus with repentance. और जब आप अपने आप को पूरी तरीके से पश्चाताप के साथ यीशु मसीह की प्रभुता को अपने जीवन पर स्वीकार करते हैं, you be baptized. आप बपतिस्मा ले लीजिए. That is where your Christian faith begins. वहीं से आपका मसीह विश्वास शुरू होता है. So don't wait till you go to River Jordan to be baptized. इसलिए यर्दन नदी में जाने के लिए का इंतजार ना करें बपतिस्मे के लिए. प्रभु आप सबको आशीष दें. हालेलुया. आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. इतनी अद्भुत गवाहियों को सुनने के बाद ऐसे कैसे हो सकता है कि हम बिना उसकी आराधना किए हम यहाँ से जाएं, बिना उसको धन्यवाद दिए हम यहाँ से जाएं, बिना उसकी प्रशंसा किए हम कैसे यहाँ से जा सकते हैं. तो इसलिए मैं चाहूँगा इस समय हम अपने हाथों को उठाकर अपने आँखों को बंद करें. आइए हम लोग सब एक कुछ समय लेकर हम इस यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ये आदर के योग्य है, ये महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, आदर के योग्य है. उसके सिवाय कोई नहीं, उसको छोड़ कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं है. हालेलुया. आइए अपने आवाजों को उठाकर हम उसकी प्रशंसा करें, उसकी हम महिमा करें. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद. ओ हालेलुया, हालेलुया. धन्य हो प्रभु यीशु का नाम, धन्य हो प्रभु यीशु का नाम, धन्य हो प्रभु यीशु का नाम, धन्य हो प्रभु यीशु का नाम. Hallelujah, 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 hallelujah. आइए इस गीत को हम एक साथ मिलकर गाएं और प्रभु को महिमा दें, क्योंकि वो आदर के योग्य है. योग्य तू है, योग्य मेरी समझ से परे. हाथों को उठाकर गाइए, योग्य है. तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए. तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू ओ तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए. हालेलुया. गाइए महिमा तू. महिमा तू में, महिमा तू में, उसे जिसने बचाया मुझको, खोजा और छुड़ाया मेरे शर्म से मुझको. बेबया है करुणा, अपार है तेरा प्रेम. हर एक जन हाथ उठाकर गाए, योग्य तू, योग्य तू, योग्य तू, योग्य हो. योग्य स्तुति के
क्या ये सच है कि आपके जीवन में प्रभु यीशु योग्य है? प्रभु यीशु के सिवाय कोई और नहीं है, प्रभु यीशु को छोड़ कोई और नहीं है। हालेलुया, सारा आदर सारी महिमा उसी को मिले। हालेलुया।